खबर गाजीपुर जनपद से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सुनील राम ने जनसंपर्क के दौरान बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए कहा 2022 में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी महिलाओं के लिए टिकट में 40% की हिस्सेदारी होगी। छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। गरीब महिलाओं को सालाना 3 गैस सिलेंडर मुक्त के साथ महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री दी जाएगी। सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधान के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। 1000 प्रति माह वृद्धा विधवा पेंशन दी जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 प्रति माह मानदेय देने का काम हमारी सरकार करेगी। किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। बिजली बिल का सब का साफ होगा और कोरोना काल का बकाया साफ होगा। गांव में भ्रमण करते हुए हंसराजपुर पहेतिया पहुंचे, जहां कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किया। इस दौरान रामचरण सिंह यादव, लालजी राजभर, नरसिंह राजभर, नाथुराम शंकर, रामगिरीश गर्ग, AICC पर्यवेक्षक जखनिया, 373 जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी गाजीपुर कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं महिला कांग्रेस नेता मौजूद रहे। देखिए, मैं सुनील राम 373 विधानसभा जखनिया कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। मैंने 200 से ऊपर गांव को डोर टू डोर संपर्क किया और गांव की समस्या को मैंने देखा। जो गांव के जो चाहे वो नाला हो चाहे वो सड़कें हो, पूरी टूटी हुई है और गांव की जनता जिस तरह जो है विधवा वृद्धा पेंशन है वो भी जो सहारा है वृद्धा और बूढ़े लोगों का वो भी नहीं मिल पाया इस सरकार में। और जिस तरह जो है पूरे जखनिया विधानसभा में जो सड़कें हैं आज सड़कों का खस्ता हाल है। माननीय जोगी जी एक नारा दिए थे कि मैं सड़कों को गड्ढा मुक्त करूंगा, लेकिन जखनिया की सड़कें तो गड्ढा मुक्त नहीं पूरे प्रदेश की नहीं होगी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं भी सड़कों पर चले जाइए तो पूरे सड़कों में गड्ढा है। यह समझ में नहीं आता है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। इसलिए यह जखनिया की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार अगर कोई विधानसभा में अगर हमारे कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सुनील राम विकास कर सकते हैं। और मैं जखनिया की जनता का जो प्यार और समर्थन मिल रहा है, मैं वादा कर रहा हूँ संतराजपुर चट्टी पर कि मुझे अगर समर्थन जो मिल रहा है जिस तरह मैं अगर विधायक बनता हूँ यहाँ का, तो निश्चित रूप से पूरे जखनिया विधानसभा का सर्वांगीण विकास होगा। और यह गरीब का बेटा, किसान का बेटा, जखनिया की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के विधानसभा में लड़ने का काम करेगा और जखनिया की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा। कितने सीटों से आप जीत रहे हैं? देखिए, हम 200 से ऊपर सीटों से जीत रहे हैं। बहन प्रियंका गांधी का अंडर करंट चल रहा है, पूरी महिलाएं हमको वोट देने जा रही हैं, पूरी जनता जान चुकी है कि ये लोग जात के धर्म के ठेकेदार हैं, जात और धर्म के नाम पर वोट लेकर चले जाएंगे और पुनः वही जो है आएंगे और कहेंगे कि मुझे जात के नाम पर वोट दे दीजिए, लेकिन विकास नहीं करेंगे। और जनता की जो जखनिया की जनता ने जिस तरह जिताया था और ये लोग खड़ा नहीं उतरे, यहाँ का धनुगाही करने का काम किए, विकास के नाम पर जखनिया की जनता को छलने और ठगने का काम किया यहाँ के प्रतिनिधियों ने। इसलिए जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के विधायक को ही जिताना है। सरकार आपकी बनती है तो प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि हम लोग जैसे हमारी सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर जितने किसानों का कर्जा है वो समाप्त हो जाएगा, जो बिजली का बिल है वो हाफ हो जाएगा, जो भी जो है कोरोना काल में जो भाई हमारे कर्ज लिए हैं उन इंटर और BA BSc करेंगे स्कूटी और उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, जो महंगाई है वो महंगाई तुरंत कम हो जाएगी। यह जो है बहन प्रियंका गांधी ने वादा किया है। 20 लाख नौजवानों को रोजी रोटी देने का काम करेंगे, 10 लाख की इलाज हम फ्री करेंगे। यह बहन प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी सरकार बनते ही यह लागू हो जाएगा। और जखनिया में जो सड़कें हैं उसका दोहरीकरण होगा। जखनिया में वीर अब्दुल हमीद के नाम पर आज तक कोई ने उनके नाम जो आज इस देश के लिए जो शहीद हुए उनके नाम पर कोई जखनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो उनके नाम पर है। मैंने वादा किया है कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो वीर अब्दुल हमीद के नाम पर महिला डिग्री वाले राज्य की महिला और हमारे जो सादात में जो हमारे दुल्लापुर और जखनिया में हम जो सड़कों पर जाम लगा रहता है ओवरब्रिज बनवाने का काम करेंगे। जो सादात जखनिया दुल्लापुर में सड़क के बगल में नाला नहीं है, आप देखते होंगे जब बरसात के दिनों में जाएंगे जखनिया तहसील में तो यह ठौने भर पानी में घुस करके आप तहसील में जाएंगे तो वहाँ पर नाला आज तक नहीं बना। उस सड़कों का वहाँ हाल देख ही रहे हैं। यह मैंने वादा किया, अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि मैं जो यह जीतूंगा तो यह कार्य कराऊंगा। जखनिया को जो है
टाउन एरिया का दर्जा दिलाने का काम करूंगा। लोगों की मांग है, जखनिया में अम्बेडकर छात्रावास होगा, जो हमारे दलित समाज के बच्चे हैं उस छात्रावास में रहकर पढ़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इस बार जखनिया विधानसभा में, जखनिया विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी का सुनील राम जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।